हेलो एवरीबॉडी, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि बीबीटी पे। अब स्टार्ट करते हैं। बीबीटी की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा लुईस डॉस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि आखिर क्या कमी रहेगी लुईस के डॉस स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर में जो हमको बीबीटी की जरूरत पड़ गई। लुईस डॉस स्ट्रक्चर ने हमको क्या बताया, जो कंपाउंड थे उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया। वह हमको ये नहीं बता पाया कि उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। इसी वजह से हमको क्या पड़ी, बीबीटी की जरूरत पड़ी। ज्योमेट्री मीन्स मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि हम ज्योमेट्री में बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पिरामिडल यानी कि टेट्राहेड्रल, ये सब क्या नहीं बता पाया हमको लुईस डॉस नहीं बता पाया। समय समय पर क्या हुई, थ्योरिया आती रही। जैसे कि सबसे पहले लुईस की थ्योरी आई, फिर बीबीटी आई, फिर हाइब्रिडाइजेशन आया, फिर वैलेंस वेस्पर थ्योरी आई, लास्ट में हमारी क्या आई, एमओटी आई। ठीक है, तो हमको क्या मिला बीबीटी में भी, हमको एक बहुत अच्छी चीज मिली यहाँ पे। हमको क्या मिला यहाँ पे, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको मिला। चलो अब स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को किसने इंट्रोड्यूस किया था, हमारा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी इसे क्या था, पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। अब बीबीटी के अकॉर्डिंग हमको क्या मिला, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में ओवरलैप करके क्या देते हैं, हमें कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड। और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, हाफ फील्ड होना चाहिए। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा होना चाहिए जो क्या होगा, हाफ फील्ड होगा, तभी वो क्या बनेगा, बॉन्ड हमारी क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से कैसे होगा, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये ले लेते हैं हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं। हाइड्रोजन में क्या होता है, दोनों में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया। हाइड्रोजन की दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले, स्पिन क्या होनी चाहिए, इसके अपोजिट होनी चाहिए। और क्या है, हाफ फील्ड है, ये आपस में मिलकर क्या बना देगा, पूरा एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएगा, जो क्या होगा, जिसमें क्या होंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। यही यहाँ पे इसने बताया, आपस में क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ओवरलैप करेगा। जैसे कि ओवरलैप किस प्रकार से करेगा, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ एक्सप्लेन करके। जो क्या एस ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस दूसरा एस ऑर्बिटल इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। आपस में इसने ओवरलैप कैसे करेगा, ओवरलैप मतलब इसको ढकेगा। ये देखो, ये फर्स्ट एच का आ गया, इसका एच वन लिया था, इसको लेते हैं एच टू। ये एच वन का आया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब दूसरा लेते हैं यहाँ पे एच टू का। ठीक है, यहाँ पर हमने एच टू का दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इस टाइप से क्या हो गया, यहाँ पे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के बाद क्या बनना है हमारा, कोवलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट यही है, ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग टू हाफ फील्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, आई होप आपके समझ में इतना आया होगा। एटम शुड बी वेरी क्लोज, जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो एटम क्या आते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, जब भी हमारे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो क्या बनेगा, एटम क्या होंगे, बहुत ही क्लोज होंगे। आप बीबीटी का तीसरा पॉइंट देखिए, कहा ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ द अपोजिट स्पिन ओवरलैप। जो ओवरलैप करेगा उसकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट मैंने फर्स्ट में बताया था, जो हाफ फील्ड के साथ क्या होनी चाहिए, स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, तभी यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग हमारी अच्छी होगी। यानी कि हम जैसे कि हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर लेते हैं, उसमें हमने बनाया पी ऑर्बिटल ले लिया, पी ऑर्बिटल लिया, इस पे क्या होता है, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस होता है। दूसरा पी ले लेते हैं किसी भी दूसरे आइटम का, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी क्या है पी। ये माइनस माइनस आपस में ओवरलैप कर सकता है, लेकिन प्लस माइनस आपस में ओवरलैप नहीं करेगा, यही वो कहना चाह रहा है। जैसे कि इसको ओवरलैपिंग करा रहे हैं, यहाँ पर माइनस है और इसका भी माइनस आपस में मिला, तो यहाँ पे क्या होगी, ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, प्लस वाला पार्ट और माइनस वाला पार्ट कभी भी आपस में ओवरलैपिंग नहीं करेगा। आई होप आपके समझ में इतना आया होगा। ये प्लस वाला पार्ट हो गया पी का, पी ऑर्बिटल का, ये हो गया माइनस वाला पार्ट, या कभी भी क्या नहीं करेगा, आपस में ओवरलैपिंग नहीं करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द इलेक्ट्रॉन इन द ओवरलैपिंग गेट द पेयर्ड एंड कंफर्म बिटवीन द टू न्यूक्लियर आइटम। जब भी आप क्या कह पाते, कह रहा है कि दो एटम के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, पेयर अप हो जाएंगे ओवरलैपिंग की बात है। बिल्कुल सही बात है, हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया, ये हाइड्रोजन का फर्स्ट आइटम था, हाइड्रोजन एच वन हो गया एच टू, इन्होंने आपस में क्या कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया और क्या बना दिया, पेयर अप बना दिया। और जो जो नेक्स्ट हमको स्ट्रक्चर मिला, इसमें क्या है, दोनों में दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके न्यूक्लियाई में दोनों के इलेक्ट्रॉन है, यही हमको बताया उसने। ठीक है, अब खास बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली अब आ रही है, जो हो रही है थोड़ा इम्पोर्टेंट टर्म है। ठीक है, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%, ये कहीं बुक में लिखा नहीं होता, ओवरलैपिंग इतनी होनी चाहिए कि 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा है, अगर ओवरलैपिंग 50% ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होने लग जाएगा, रिपल्सन होने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लग जाएंगे, रिपल्सन करने लग जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा,
जब हमारी बॉन्ड नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएंगी, यानी कि ओवरलैपिंग फिर से कमजोर हो जाएगी। ठीक है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है जिससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर ओवरलैपिंग हमारी अच्छी होगी तो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, स्ट्रेंथ और बॉन्ड भी क्या होगी, अच्छी होगी। और साथ ही साथ अगर ओवरलैपिंग अच्छी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी और बॉन्ड एनर्जी भी अच्छी होगी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब किसी भी बॉन्ड के तोड़ने के लिए क्या हो गया, हमको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। जैसे कि यहाँ पे दो एटम लिखे हैं मैंने, यहाँ पे ए ए है और दूसरा क्या है, बी है। ठीक है, काफी दूरी पे है, इसमें क्या है, ओवरलैपिंग नहीं हुई। मैंने बताया था अगर ओवरलैपिंग होगी तो क्या हो जाएंगे, आपस में क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे बी आएगा। ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी की अगर छोटी लेंथ हो जाएगी तो इसको तोड़ने के लिए क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। जैसे कि एक थोड़ा और एग्जाम्पल मैं लेके देखता हूँ। ठीक है, थोड़ा और छोटा कर लेंगे, जैसे इसकी लेंथ को, बॉन्ड लेंथ और छोटी होगी ए और बी। अब देखो इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, ए बी की होगी, जो हमारा थर्ड नंबर वाला, 1 2 3, ये थर्ड नंबर वाले की क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी, कम होगी। तो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी के। ठीक है। और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आपके समझ में इतना आया होगा। अब हम बात करते हैं जो मैंने बताया था हमको, जो सिग्मा और पाई बॉन्डिंग के हमको यहाँ से बीबीटी से मिला। अब बीबीटी ने बताया जो मैं सिक्स टर्म आपको बताने जा रहा हूँ, टू टाइप्स क्या बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म में होते हैं बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है। ओवरलैपिंग के आधार पर यहाँ पे क्या होगा, टू टाइप्स क्या होंगे, कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होंगे। अब मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ, फर्स्ट टाइप का कौन सा होगा, सेकेंड टाइप का कौन सा होगा। ओवरलैपिंग के बेस पे हमको फर्स्ट बॉन्ड मिलता है सिग्मा बॉन्ड। ये किस बेस पे मिला हमको, एक्जाइल या ओवरलैपिंग या हेड टू हेड, इसको दूसरा नाम से बोलते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से ओवरलैपिंग होती है। जब भी हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है तो मैंने कहा एक्जाइल पोजिशन क्या होगी, पार्टिसिपेट करेगी ओवरलैपिंग में, या हेड टू हेड क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही होगी। जैसे कि मैंने एस ऑर्बिटल ले लिया, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, इसमें क्या होती है, सिमेट्री होती है कहीं। ठीक है, सिमेट्री ऑर्बिटल है। दूसरा भी क्या ले लिया, एस, ये भी क्या ले लिया दूसरा मॉलिक्यूल से, इसे बोल दिया ए, इसे बोल दिया बी। अब इन दोनों के बीच क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। क्या क्या कहा मैंने, एक्जाइल एक्जाइल ओवरलैपिंग। तो एक्जाइल एक्जाइल मतलब इसका एक्जाइल एक्जाइल वाला ओवरलैपिंग होगी या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा। तो किस प्रकार से ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये आया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें बी में भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये आ गया बी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या, दोनों की ओवरलैपिंग हुई, यहाँ पे एक इसका इलेक्ट्रॉन चले गया, एक इसका इलेक्ट्रॉन चले गया, आपस में क्या हो गया, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एस एस में मैंने दिखाया, ये भी एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है, इसमें क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गई यहाँ पे, एक्जाइल एक्जाइल ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग को हमने कह दिया सिग्मा एस एस ऑर्बिटल। ठीक है। ये किससे बना था, एस ऑर्बिटल से बना था, और ये भी किससे बना था, एस ऑर्बिटल से बना था। तो हमने इसको, इसका नाम क्या हो गया, एस एस सिग्मा एस एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है। हम दूसरी ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, हमने दूसरा ले लिया एक एस मॉलिक्यूल्स, और इस दूसरा एटम लिया हमने, फर्स्ट एटम लिया हमने एस और दूसरा एटम ले लिया हमने पी का। ठीक है। ये एस है, ये क्या है, पी। अब ओवरलैपिंग के बाद क्या क्या होगा, यहाँ पे हेड टू हेड हो गया, हेड टू हेड ओवरलैपिंग या एग्जैक्ट जैसे बोल सकते हैं इसको, इसकी ओवरलैपिंग फिर से होगी यहाँ पे, ये ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है। ठीक है। यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इलेक्ट्रॉन इसका था। तो हमने इसको बोल दिया सिग्मा एस पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है। ये समझ में आपके आ गया होगा, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब बताऊंगा आपको मैं, ओवरलैपिंग के बेस पर हमने पढ़ लिया था, पहला बॉन्ड हो गया सिग्मा, अब दूसरा बॉन्ड मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या है, पाई बॉन्ड। इसमें ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, यहाँ पे हो रही है पैरेलल ओवरलैपिंग, या हो गया हमारी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। अब मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ किस प्रकार से यहाँ पे पैरेलल ओवरलैपिंग यहाँ पे होती है। हमने पी ऑर्बिटल ले लिया
और दूसरा भी क्या दे दिया, पी ऑर्बिटल दे दिया। ठीक है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सेंटर में। ठीक है, तो एक बॉन्ड हमारा यहाँ पे बनेगा, और ठीक है, और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारी, देखो दोनों साइडों ने क्या क्या ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया बी। दोनों साइड क्या कर रही है हमारी, जब दोनों पैनल साइड है, ठीक है, एक दूसरे की पैरेलल साइड है, ये भी और ये भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। ये क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ओवरलैपिंग के बाद हमें क्या मिलेगा, मैं आप दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे फर्स्ट का आ जाएगा और ये आएगा, देखो यहाँ पे एक ओवरलैपिंग यहाँ पे हो गई और दूसरी ओवरलैपिंग यहाँ पे हो गई। ये देखो यहाँ पे जो रेड वाला पार्ट है, ये क्या हमारा ओवरलैपिंग वाला है। तो जहां पे भी डबल बॉन्ड आएगा तभी हमारे क्या होगा, पाई ओवरलैपिंग होगी। यानी कि जब भी डबल बॉन्ड होगा तब क्या उस कंडीशन में क्या हो सकता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकेगी। जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा उस कंडीशन में क्या होगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यानी कि जब भी पाई बॉन्ड बनेगा वहां पे हमको क्या होगी, जरूरत होगी पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड साइड ओवरलैपिंग की। हाँ, मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल करा के बताऊंगा कि सिग्मा ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रही है और पाई ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रही है। अब हमने सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल ले लिया। जैसे कि हमको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, H11। मतलब हाइड्रोजन में क्या है, उसका मास भी 1 ही है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन है 1s1। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 1s1। दूसरा मॉलिक्यूल्स भी ऐसे होगा 1s1। अब दोनों के यहाँ, दोनों के स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर यहाँ बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन का फिर से वही गोला वाला आ जाएगा और इसका भी फिर से गोला वाला आ जाएगा, क्योंकि जो एस मॉलिक्यूल्स होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्फेरिकल होता है। यहाँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन, यहाँ आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग के बाद क्या बना दी इन्होंने, ओवरलैपिंग कर ली, यहाँ पर बन जाएगा सिग्मा एस एस ऑर्बिटल। ये क्या था, एस ऑर्बिटल था। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या हो गया हमारी, एग्जैक्टली ओवरलैपिंग यहाँ पे हो गई है। ठीक है, अब मैं दूसरा मॉलिक्यूल से ले रहा हूँ फिर से एक, अब हमने सिग्मा बॉन्डिंग में दूसरा एग्जांपल लिया क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और जब भी हम इलेक्ट्रॉन शेयर ऑर्बिटल में शेयर अप की बात करेंगे तो इसके हम लास्ट ऑर्बिटल में देखेंगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ पर लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, यानी कि इसके पास कितने होंगे, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। पी ऑर्बिटल में 3 कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो दो दो इलेक्ट्रॉन तो एक्स वाई में हो जाएंगे, लेकिन जेड में क्या होगा, हमारे जो पी जेड होगा उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरिन के फर्स्ट मॉलिक्यूल में होगा, एक क्या होगा दूसरे में होगा, इसलिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। मतलब पी का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, मैंने बताया था डम्बल शेप होता है, तो डम्बल शेप बना देते हैं यहाँ पे। डंबल से मैंने फर्स्ट मॉलिक्यूल से का बना दिया, इसको लिख दिया ए, A1। यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है प्लस, दूसरे का स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी स्पिन होगी अपोजिट, इसे बोल दिया A2। ये क्या है, पी जेड मान लेते हैं इसको भी, इसको भी मान लेते हैं पी जेड। ठीक है, तो आपस में क्या देगा, अब ओवरलैपिंग के बाद नीचे दिखा रहा हूँ मैं, ओवरलैपिंग के बाद क्या देगा हमको, जब भी ओवरलैपिंग होगी तो हमको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल से हो गया, ये क्या हो गया सेकेंड का,
तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके हाफ के, इसके हाफ के, यहाँ पर फिर से ओवरलैपिंग होगी, तो हमको मिल जाएगा सिग्मा पी पी पी, पी जेड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा आई होप। ओवरलैपिंग ये वाला पार्ट है जो रेड किया है मैंने, ब्लू रेड किया है, ये क्या है, ओवरलैपिंग वाला पार्ट है। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं एस सी एल के मॉलिक्यूल्स का। तीसरा एग्जांपल हो गया सिग्मा बॉन्डिंग में एस सी एल के मॉलिक्यूल्स का। अब देखो हाइड्रोजन का एटोमिक नंबर क्या होता है, वन होता है। इसमें क्या है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का मैंने बताया था, क्लोरीन का 17 होता है, और इसका इसके लास्ट पी पी जेड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर भी क्या होता है, वन। लेकिन हाइड्रोजन क्या आता है हमारे, हाइड्रोजन कहाँ पर आता है, वन एस वन में, और ये आता है टू पी जेड वन में। ठीक है, दोनों के जहाँ पर दोनों जिस दोनों ऑर्बिटलों का क्या है, शेप क्या है, अलग अलग है। हाइड्रोजन का क्या है, स्पेरिकल है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। और जो हमारा क्लोरीन में जहाँ पी जेड में इलेक्ट्रॉन है, वहां पे उसका शेप क्या है, डम्बल शेप, यानी कि डमरू शेप है। ठीक है, इसका शेप है हमारा डमरू शेप, यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, आपस में ये क्या होगा, एस होगा, ये होगा पी। तो इस प्रकार की जो ओवरलैपिंग होगी, सब ये ओवरलैपिंग हो रही है एक्जाइल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी किस प्रकार से होगी, ये बना हमारा एस का, ये बन गया हमारा पी का। थोड़ा स्ट्रक्चर खराब बन गया है इसलिए सॉरी, आपके समझ में आ रहा होगा। ये हो गया हमारा पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये जो रेड पार्ट किया है मैंने, ये हो जाएगी एस पी सिग्मा एस पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखेंगे। ये देखो सिग्मा एस पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अब हम एग्जांपल देखेंगे पाई ओवरलैपिंग या पाई बॉन्ड के। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पाई बॉन्ड, ये बेस्ड है हमारी ओवरलैपिंग के। पाई बॉन्ड में क्या ओवरलैपिंग क्या होती है, पैरेलल साइड होती है, जिससे इससे हमको मिलता है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब हमने इसका एग्जांपल दिया ओटू मॉलिक्यूल्स। अब ओटू मॉलिक्यूल्स में क्या है, ओटू के क्या है, दो 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 मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मॉलिक्यूल्स हो गया, दूसरा फिर से हो गया क्या। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है, 16, इसका भी क्या होगा, 16 ही होगा। ठीक है, अब फिर से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, और लास्ट इसके ऑर्बिटल में क्या होते हैं, टू पी फोर होता है। ठीक है, इसका इसका लास्ट पी वाला ऑर्बिटल बना के दिखा रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन भरना, पी एक्स में गए, पी वाई में गए, फिर गए पी जेड में, फिर से चले गए पी एक्स में। यानी कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टू इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। एक ऑर्बिटल में जो एक ओ मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या है, टू इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड। वैसे क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। ठीक है, अब हम इसके बीच क्या करेंगे, ओवरलैपिंग कर रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख रहे हैं। अब कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, पी वाई में, और पी जेड में क्या है, टू पी जेड में और टू पी वाई में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। और पी टू पी एक्स में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा है। ठीक है, तो टू पी वाई और टू पी जेड की हम क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे यहाँ पे। अब मैं सिंपली यहाँ पे पी और पी का शेप बनाने जा रहा हूँ, देखना इसको आप। ये देखिए मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये हो गया हमारा पी का फर्स्ट डमरू शेप वाला एक्स वाला ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो गया जेड वाला, और तीसरा इसके बीच में जो होता है उसे हम बोलते हैं वाई। अभी मैं इसको बना नहीं रहा हूँ, इसका हल्का हल्का ड्रॉ कर दे रहा हूँ, चलो बना ही लेता हूँ। चलो ये हो गया वाई। ठीक है, ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी जेड, ये हो गया पी वाई। अब ए ओ वन का है। ठीक है, अब ओ टू का भी ऐसे होगा, यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, हो गया इसका पी एक्स वाला ऑर्बिटल, ये हो गया पी जेड वाला, या बीच में आ जाएगा पी वाई वाला। अब मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, पी जेड और पी वाई में क्या है, अनपेयर्ड है। तो वाई की जगह मैं एक्स में ले लेता हूँ, आसानी हो जाएगा बनाने में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर्ड है, और एक इलेक्ट्रॉन जेड में यहाँ पर अनपेयर्ड है। तो देखो किस प्रकार की बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया, दूसरा बॉन्ड क्या बन गया यहाँ पे। दोनों की ओवरलैपिंग कैसे हो जाएगी, पैरेलल साइड में हो जाएगी, यानी कि ये इसके ऊपर इसको ढकेगा, ये इसके ऊपर इसको ढकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहले जब भी फर्स्ट बार जो ओवरलैपिंग होती है, पहले बनता है सिग्मा बॉन्ड, फिर बनेगा हमारा पाई बॉन्ड।
ठीक है, तो O2 के मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ पे पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग होगी, यानी कि पैरेलल साइड से हमारी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, आपके समझ में आ रहा होगा। और जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल O1 था, इसको हमने बोल दिया पी एक्स बोला, और इसको बोल दिया पी वाई, जो भी बोलेंगे हम इसको बोलेंगे पाई पी वाई बोल लेते हैं, इसको पाई पी पी ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ऑर्बिटर हो जाएगा ये, ओवरलैपिंग ऑर्बिटर। ठीक है, आपके समझ में इतना आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ N2 मॉलिक्यूल्स का, इसी में ही है, किसका एग्जांपल देने जा रहा हूँ, N2 मॉलिक्यूल्स का। तो N2 मॉलिक्यूल्स का फिर से वही होता है नाइट्रोजन का, हम पहले से क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 7 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 7। तो फिर से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p3। तो मैंने कहा था लास्ट ऑर्बिटल को देखेंगे यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे होंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, पी एक्स में भी है, पी वाई में भी है, और पी जेड में भी क्या है, तीनों में एक एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, तीनों में भी है। N2 मतलब N1 में एक, N1 में ऐसी कंडीशन होगी तो N2 में भी क्या होगी, ऐसी कंडीशन फिर से हो जाएगी, यानी कि तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। अब तीनों के बीच क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, इसके बीच बनेगा, इसके बीच बनेगा, इसके बीच, यानी कि पी एक्स पी एक्स पी वाई पी वाई पी और पी जेड के बीच भी बॉन्ड बनेगा। अब मैं इसको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आपको शो कराने जा रहा हूँ।